दोस्तों हम पहुंच गए हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। तो गाइस चलता हूं दिखाता हूं आपको सेंट पीटर्सबर्ग कैसे होने वाला है। चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माउंटेन गाइड। मैं हूं आपका दोस्त आदि और सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। कल रात को पहुंचा, रात को पास में गया था शॉप में, वहां से कुछ खाना पीना लेके आया था। खाना पीना बनाया और रात को यहीं बनाया था, किचन है यहाँ पे। तो सुबह रात उस फिर वो भी ले आया था, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह वहाँ से लेके आया था। तो गाइस 15वीं फ्लोर पे मैं रुका हूँ और कुछ इस तरीके से जो पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं व्यू है उसका। भाई बरसात है, मौसम ख़राब हो चुका है आज, और धर्मशाला की बरसात और सेंट पीटर्स की धर्मशाला की बरसात और सेंट पीटर्सबर्ग की बरसात, ये दोनों एक जैसे है। कब आ जाए कोई पता नहीं होता, धर्मशाला में भी ऐसे होता। तो गाइस चलता हूँ मैं यहाँ से, मेट्रो 20 मिनट लगेगा मेरे को, ना 10 मिनट मुझे लगेंगे मेट्रो तक पहुँचते, और वहाँ से सेंट्रल मेट्रो तक 15 से 20 मिनट लगेंगे मेरे को पहुँचते। जो सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो है वो इतनी बड़ी मेट्रो नहीं है, मतलब जो लाइन है मेट्रो लाइन इतनी बड़ी नहीं है। और चलता हूँ मैं आज और आपको दिखाता हूँ, देखता हूँ वेदर क्या करता है। अभी तो बारिश है, बारिश प्लस आउटसाइड 5 डिग्री टेम्परेचर, ना ठंडा है। तो चलते हैं गाइस, तो देखिए आप नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं बाहर की। तो भाई सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में भटक रहा हूँ या घूम रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ समर पैलेस और विंटर पैलेस की तरफ। इस टाइम रशिया में आना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि वेदर की कंडीशन से बेटर है अगर आप मई में आएँ या जून में आएँ तो वेदर बहुत अच्छा होता है। और वहाँ पे जो यहाँ पे ब्रिज ओपनिंग है जो बहुत फेमस है सेंट पीटर्सबर्ग में, जो तो ब्रिज है इसका जो ब्रिज ओपन होते हैं, बट वो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल के बाद, तो मैं वो भी नहीं दिखा पाऊंगा। और भाई मेरे पीछे है अभी इंडियन शॉप सेंट पीटर्सबर्ग में, अंदर चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। भाई ये है शॉप, इंडियन गुड्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हर हर महादेव। तो कुछ एक चीज़ें हैं, आपको जब इंडिया से आएगा तो थोड़ा सा आपको होता प्राइस तो हाई होगा ही होगा, यहाँ तक पहुँचते। सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन के आपको बहुत से, नॉट बहुत बट हाँ, कुछ एक शॉप भी मिल जाएंगे, कुछ एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। और व्हाट्स योर नेम? आना, माय नेम इज आदि, नाइस टू मीट यू, हैव ए गुड डे। तो गाइस चलते हैं आगे, गणा दे गण गण पते ना। बाय बाय। भाई अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में आए हो तो अगर आपने बेकरी टेस्ट नहीं की तो फिर बेकरी जरूर टेस्ट करना अगर सेंट पीटर्सबर्ग में आए, बहुत अच्छी बेकरी है इनके पास। तो मैं कुछ लेने की सोच रहा हूँ। भाई मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये रिवर है, ये रिवर अगर आप कब आएंगे
अगर आप मई में आ रहे हो तो ये वाली रीजन में बोटिंग होती है यहाँ से, ये ट्रिप वाटर ट्रिप कराते हैं, मतलब वाटर ट्रिप कराएंगे आप, मतलब सॉरी रिवर ट्रिप कराएंगे आपको यहाँ से अराउंड, वो बताएंगे कि भैया ये क्या है, ये मतलब ये कब बना बिल्डिंग, और कैसीनो और म्यूजियम के बारे में सब कुछ के बारे में बताते हैं ये। अब देखो भैया स्टॉप हो गया बंदा, पहले मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे हर कोई ऐसा ही है रोड में, कोई भी जा रहा है तो बंद हो जाते हैं। और रही बात भैया प्राइस की, प्राइस सेंट पीटर्सबर्ग में आपको मॉस्को से अच्छे मिलेंगे, इवन खाने के पीने के रहने के मॉस्को में प्राइस हाई है। इवन जहाँ मैं बेकरी में था, कॉफ़ी थी, कॉफ़ी यार कॉफ़ी इंडिया और मेरे को लगता है बाहर एक जैसी रेट है। कैपेचिनो 90 की स्टार्ट हो जाती है और लार्ज लो 120, इंडिया और मतलब यहाँ पे कॉफ़ी का रेट सेम था। हाँ बेकरी का प्राइस बहुत अच्छा था, सिनेमन रोल में देखे मैंने सॉरी सिनेमन रोल देखे वहाँ पे 35 के थे, तो खाने का तो ठीक है। और साथ में अगर आप कैंटीन में खाते हो और सस्ता मिलेगा आपको कैंटीन में, दिन का लंच मैं कैंटीन में करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या खाता हूँ कैंटीन में, वो दिन का लंच होगा मेरा। भाई यहाँ पे जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो रिवर है नीवा रिवर, तो 7 नवंबर 1824 को यहाँ पे फ्लड आया था, जो फ्लड की जो हाइट थी वो इतनी आ गई, मतलब डूब गया लगभग लगभग ये 5 फुट के बराबर है, 5 फुट सेंट पीटर्सबर्ग डूब गया था 1824 में। भाई जो मेरे पीछे जो रिवर है ये पॉइंट का रिवर, ऐसी ऐसी छोटी छोटी दो तीन रिवर है यहाँ पे, यही कारण था फ्लड आने का भी। जो बड़ी रिवर है उसको मैं दिखाऊंगा जहाँ पे ब्रिज ओपनिंग होती है, वो उसी तरफ जा रहा हूँ मैं। और ये छोटी छोटी रिवर पर यहाँ पे भी जब आप समर में आओगे तो भैया रिवर जो बोटिंग होती है बहुत शानदार होती है, पूरा दिखाते हैं, पर अभी फ्रोजन है, कुछ एक पार्ट फ्रोजन में है, कुछ एक मेल्टिंग हो रही है, बट ये टाइम अच्छा नहीं है सेंट पीटर्सबर्ग का आने का, बट आ सकते हैं, घूम सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग को भी। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की कल्चर सिटी कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो रशिया की जो कैपिटल था वो सेंट पीटर्सबर्ग, कुछ टाइम के लिए सेंट पीटर्सबर्ग रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग का जो जितनी भी बिल्डिंगें बनी है वो बनाई है इटालियन आर्किटेक्ट के द्वारा, भाई अल्टीमेट बिल्डिंगें बनी हैं। जो मेरे पीछे डिज़ाइन है लगभग लगभग ये 150-200 साल पुरानी है, 150 से 200 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं सारी। हाँ इनकी मेंटेनेंस होती रहती है टाइम टू टाइम, बट उस टाइम का बनी हुई है, इनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, तब की ही बनी हुई है और आज भी वैसे ही ऐसी हैं। हाँ मेंटेनेंस जारी है इनका, बाकी और कुछ नहीं है। रशिया के फेमस ट्रेवलर जिन्होंने एशियन कंट्री को एक्सप्लोर किया था, उन्हीं का स्टैचू मोन्यूमेंट लगा हुआ है यहाँ पे। भाई ऐसे ट्रैवल करते रहो, एक दिन हमारा भी मोन्यूमेंट ऐसे ही बनेगा बिग ट्रैवलर के लिए पर ये तो भैया फेमस हस्ती थी यार। भाई मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है सेंट पीटर्सबर्ग की एक फेमस चर्च,
बहुत पुरानी है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तो भैया 1200 रुपये टिकट का है जो 24 घंटे का है, और 800 भी है जो 4 से 13 घंटे के बीच में चलेंगे। तो डिपेंड करता है कितने का, अगर आप 24 घंटे का लेते हो तो वो है 1200 का, 24 घंटे नहीं किसने लेना है। अगर आप 700-800 रुपये का ले सकते हो तो पूरा सीट बुक करा देंगे। लैंग्वेज ये बोल रहे हैं कि भाई इटालियन हिंदी नहीं मिलेगी, तो इटालियन इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश। भाई जितने रेस्टोरेंट सेंट पीटर्सबर्ग में हैं रशिया में उतने कहीं नहीं हैं। मतलब कैफ़े वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कैफ़े बोल रहा हूँ कि मिक्सचर इटालियन जापनीज कोरियन इंडियन, मतलब इसको रशिया का बोले तो सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत बहुत ज़्यादा रशियन। और हर देश का कोई एक एक दो दो रेस्टोरेंट है हर एक देश के, मतलब कोई भी देश का मान लो, इंडियन से लेके जापनीज से लेके कोरियन आयरिश इंग्लिश, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट कैफे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो भाई मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग का। रशिया के राजा महाराजा रहा करते थे, अभी इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ा है इनका विंटर पैलेस बोले तो शीतकालीन महल, और गर्मियों के लिए अलग सा एक विंटर पैलेस है, एक समर पैलेस है। ये विंटर पैलेस है, अंदर जाने के लिए टिकट है, म्यूज़ियम है अंदर, तो क्या म्यूज़ियम ही होगा अभी। बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अगर आप समर टाइम में आ रहे हो तो यहाँ पे सामने कोई ना कोई बजाता रहता है, कोई म्यूज़िक बज रहा है, कोई कुछ ना कुछ बजाता रहता है, काफ़ी अच्छा माहौल होता है शाम के टाइम यहाँ पे। तो ये है पूरा, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बने होते ना बालू शालू, जबरदस्ती वाले तो फोटो खिंचवा देते हैं, बोलते हैं पैसे पैसे पैसे। खिंचवा भी सकते हैं, नहीं भी खिंचवा सकते हैं, ज़्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। तो ऐसे है, मैंने इग्नोर कर दिया यार, बोलेंगे फोटो फोटो फिर बोलेंगे पैसे पैसे, इसलिए इग्नोर करना चाहिए। हाँ
खिंचवाने हैं तो भैया 50-100 रूबल देने ही पड़ेंगे आपको अगर आपने खिंचवाने इनसे फोटो को। तो गाइज अभी समर पैलेस हो गया, सॉरी विंटर पैलेस था ये, समर पैलेस नहीं था। विंटर पैलेस इसलिए है क्योंकि मेरे को लगता है उसमें कुछ इसमें वार्म करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन थी उस टाइम, इसलिए विंटर पैलेस नाम रखे। समर पैलेस की तरफ चलता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, और मेन बात बहुत से लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं और करते हैं। पहुँचा हूँ मिठाई के भंडार में, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ शॉप दिखी थोड़ी यूनिक टाइप में लगी, मेरा रिकॉर्ड करता हूँ इसको, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे हैं। मर्जी ले लो, 150 रुपये में 100 ग्राम है, मतलब बोले तो 150 में 1050 की किलो के हिसाब से प्राइस है। बहुत सी आइटम है, बहुत सी आइटम है। भैया ये है सोविनियर की शॉप के अंदर आ चुका हूँ। 50% डिस्काउंट कह रहे हैं, वो एक हिसाब से अट्रैक्शन करने के लिए होता है क्योंकि प्राइस उस हिसाब से लगाया होता है, बट हाँ देख सकते हैं आप। जैसे मान लो ये डॉल है, उसका प्राइस है 4800 है, 4800 की 2200 में कर देंगे प्राइस, असली का 2200 की डॉल है ये वाली, 2000 की ये सबसे छोटी वाली, लगभग 200 आफ्टर डिस्काउंट है, 400 की है। मिस्टर पुटिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, खास बात ये है कि ये सेंट पीटर्सबर्ग में ही जन्मे हैं, इनका जो जन्म हुआ वो सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुआ है। सोविनियर ले लेता हूँ, सोच रहा हूँ अच्छा रहता है, लेके आना चाहिए अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो, अच्छा रहता है एक सोविनियर लिया हुआ। तो भैया ये है शॉप सोविनियर की, ऐसी ऐसी शॉप आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, तो ऐसी ऐसी शॉप आपको बहुत सी मिल जाएंगी। और सेंट पीटर्सबर्ग में एक बात अच्छी ये लगती मुझे कि यहाँ पे जो 69 यहाँ पे लोग अगर शॉप में हैं या रेस्टोरेंट में हैं इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट होता है सेंट पीटर्सबर्ग का। तो भाई कैंटीन में आ चुका हूँ, ये है कैंटीन जो सेंट पीटर्सबर्ग में, ऐसी ऐसी कैंटीनें बहुत हैं जो प्राइस है यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन मिलता है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ऊपर बेकरी आ गई, ये आलू और सब्जी है, वो अपना फिश आ गई, जिंक्स आ गई, और सलाद चाहिए तो सलाद भी मिल जाएंगे, ये पीछे पूरा सलाद आ गई। अभी टाइम है लंच टाइम, तो लंच टाइम में थोड़ा सी रश होती है तो इसीलिए ज़्यादा रश होंगे। लेता हूँ मैं, कुछ बताता हूँ आपको कि क्या ले रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ मैं। यहाँ से प्लेट पकड़ी, चलते ही आगे चलते जाओ भाई, चलते जाओ सलाद चाहिए तो सलाद। ये लिया मैंने
चिकन है, राइस के पुलाव, चिकन पुलाव समझ लो, एक केक लिया है छोटा सा और ड्रिंक लिया है अराउंड, ये पड़ा मेरे को 350 के, अराउंड 350 में पड़ा। अच्छा है, खाता हूँ, टेस्टी लग रहा है, खाता हूँ फिर उसके बाद चलता हूँ गाइस। भाई अभी जा रहा हूँ मैं एक दोस्त से मिलने, उसने मेरा फेसबुक में अपडेट देखा, मैं सेंट पीटर्सबर्ग पे हूँ, मैसेज किया दी कहाँ पे है तू राजा, उससे मिलने जा रहा हूँ, मेट्रो पकड़े, दूसरे मेट्रो पकड़े, अभी उसने कहा कि मेट्रो के बाहर आ जा, तो जाता हूँ मैं आपको भी मिलाता हूँ। भाई ये है मेरा दोस्त, हेलो ब्रो, ब्लॉग यूट्यूब यूट्यूब माय प्रीवियस, वाओ ब्लॉग, आर यू फिल्मिंग? नो नो, यूट्यूब यूट्यूब। भाई गाड़ी लेके आए हैं, इसके बाद अपन लेके जाएंगे इन, यू वांट सम, यू वांट सम в Индии. Да, вы давно что-то уже не приезжали. 4 года. Поеду. Да, ты год. Я сама. А? Там давно был. Бай, саб Индия как खोलने का वेट कर रहे हैं कि कब इंडिया खुलेगा और कब ये आएंगे। सब यही कह रहे हैं। मैं भी यही कहता हूं यार, गवर्नमेंट से खोल दे इंडिया को। तो ये हैं मेरे दोस्त जो सेंट पीटर्सबर्ग में, आज इन्होंने इनवाइट किया था मेरे को। तो गाइस बहुत प्यारी फैमिली है, आई लव देम, वी फील डॉटर, या डॉटर मैंने बनाया। तो देखते रहिए, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, कल का वीडियो मैं आगे बताता हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।